नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द इंटरनेट, फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है इंटरनेट की, ईमेल। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल, आप सभी ने सिंपल मेल सिस्टम पढ़ा है। पोस्ट ऑफिस के थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को मेल कर दिया। मेल का मीनिंग क्या है, डाक भेजना। और इसके बाद जब इलेक्ट्रॉनिक टर्म्स में आया तो ये क्या हो गया, ईमेल। पोस्टल सर्विस डे वो ज़्यादा टाइम लेती थी सेंड करने में, अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द सिटी एंड अक्रॉस द वर्ल्ड। ये हमारा टाइम सेव करती है, मनी सेव करती है, एंड सेंड ए लेटर अराउंड द वर्ल्ड विद इन ए फ्यू सेकेंड, फास्टर, ईजी एंड मच चीपर फॉर्म में। डेफिनेशन क्या है, ईमेल रेफर टू सेंडिंग एंड रिसीविंग द मैसेज इलेक्ट्रॉनिक, एंड मेन एडवांटेज ऑफ ईमेल आर स्पीड, लो कॉस्ट एंड ईजी टू यूज। ईमेल मीन्स ए यूजर कैन सेंड द मैसेज, यूजर मैसेज सेंड कर सकता है इलेक्ट्रॉनिक टू इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल, ग्रुप में भी। मेल डज नॉट मीन जस्ट टू मैसेज, मेल का मीनिंग ये नहीं है आपने मैसेज कर दिया। मेल क्या है आपके, इट कैन बी ए टेक्स्ट फाइल, ये टेक्स्ट फाइल भी हो सकती है, इसमें पिक्चर्स भी हो सकती हैं, इसमें प्रोग्राम्स भी, अनाउंसमेंट्स भी, मैगजीन्स भी, आपकी इसमें इमेजेस हो गई वो भी होंगी, आप क्लिप भी सेंड कर सकते हैं, आप स्मॉल वीडियोस भी सेंड कर सकते हैं, आप ऑडियो भी सेंड कर सकते हैं। मेल में आप किसी भी टाइप का डाटा किसी भी यूजर के पास सेंड कर सकते हैं, उसके लिए आपके पास मेल एड्रेस होना जरूरी है। ईच यूजर ऑन ए इंटरनेट हैव ए यूनिक मेल एड्रेस, हर यूजर क्या रखेगा, एक यूनिक एड्रेस रखेगा, विच इज हेल्प, जो हेल्प करेगा टू आइडेंटिफाइंग ए यूजर होम यू विश टू सेंड ए मेल, जिससे ये पता चले। आप किसी के पास लेटर सेंड करते हैं तो हर किसी का पोस्टल एड्रेस डिफरेंट होता है ना उस घर का, यहाँ पर क्या होगा, हर पर्सन की आईडी भी डिफरेंट होगी। आपकी आईडी डिफरेंट है, आपके फादर की डिफरेंट है, मदर की डिफरेंट है। आप फोन ऑपरेट करते हैं, फोन में मेल्स वगैरह पे लॉग इन करते हैं ना, मेल से ही स्मार्टफोन में हम क्या करवा सकते हैं, लॉग इन करवा सकते हैं, जिसके थ्रू आपके नंबर्स वहीं पर स्टोर हो जाते हैं मेल आईडी पे, उसी के थ्रू हम एक्सेस करवा सकते हैं। यहाँ पर दिया है शिवांग गोयल @yahoo.com, ऐसे ही हमारे पास क्या हो सकता है, priya@gmail.com। While the most email go computer, email can also send and receive, हम मोबाइल फोन पर भी रिसीव कर सकते हैं, हमारी मेल आईडी ओपन होगी तो। अदर पोर्टेबल डिवाइसेस भी हैं जिसके थ्रू कर सकते हैं। अब एक सेंडर है वो सेंड कर रहा है मेल को, डायग्राम में आप देखिए, और एक रिसीवर होगा जहाँ पर जाएगी, और जाएगी किसके थ्रू, मेल सर्वर के थ्रू। एक सेंडर का मेल सर्वर होगा जो इस मेल को सेंड करेगा, एक रिसीवर का मेल सर्वर होगा जहाँ पर वो मेल रिसीव होगी। वो रिसीवर कहीं भी हो, इट इज़ द डिफरेंट थिंग, मेल उसकी मेल आईडी पे जाएगी। ये जरूरी नहीं है कि वहाँ पर पर्सन प्रेजेंट होगा या कुछ, और विद इन द फ्यू सेकेंड्स हम मेल को सेंड करवा सकते हैं ओवर द इंटरनेट। डेस्टिनेशन का हमारे पास क्या होना चाहिए, ओनली मेल एड्रेस होना चाहिए। इसकी क्या एडवांटेज है, स्पीड, हम यहाँ स्पीड है विद इन द मिनट एंड सेकेंड भेज सकते हैं। कॉस्ट इसकी कम होती है, काफ़ी कम कॉस्ट में हम इसको यूज़ करवाते हैं। ईजी टू यूज़, ये हम ईजी यूज़ करवा सकते हैं, सेंड करवा सकते हैं। रिट्राइव एंड सेंड ई मेल फ्रॉम एनी लोकेशन, हम किसी भी लोकेशन से इसको रिट्राइव करवा सकते हैं, किसी भी लोकेशन पर सेंड करवा सकते हैं। कन्फर्म्ड मेल, ये मेल कन्फर्म हो गई है ये भी पता चल सकता है, कैसे डिलीवर मैसेज भी आ सकता है। सेंड एंड रिट्राइव द मेल एट ए टाइम, सेंड करना रिट्राइव करना किसी भी मेल को। रिकॉर्ड मेंटेनेंस, हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, आपके पास सेंड मेल अलग होंगी, रिसीविंग मेल अलग होंगी, इस टाइप से भी हम काम को परफॉर्म करवा सकते हैं। आपकी मेल आईडी जो भी है उसमें सेंड मेल के लिए अलग है, आपकी रिसीविंग मेल के लिए इनबॉक्स अलग है, आपके पास सोशल्स मेल्स आती हैं उसके लिए अलग है, प्राइमरी मेल के लिए अलग होता है, और जो आप डिलीट करते हैं वो भी आपके अलग होती हैं। कुछ मेल्स ऐसी होती हैं जो स्पैम उनके लिए अलग होते हैं, तो इनको हम डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं। रिकॉर्ड मेंटेनेंस है, पेपर रिड्यूस, इसके कारण क्या हो गया, पेपर का यूज़ रिड्यूस हो गया है। मेल क्या है, ऑनलाइन है। रीयूज, हम रीयूज कर सकते हैं, रीसेंड कर सकते हैं, हम सेम मेल को डिफरेंट पर्सन के पास एट ए सेम टाइम सभी का मेल एड्रेस हम डालकर सेंड भी करवा सकते हैं। ऑफर द फोन है, मोबाइल फोन है, किसी में भी हमें मेल आईडी के थ्रू हम कनेक्ट करवा सकते हैं और काम को परफॉर्म करवा सकते हैं।
डिसएडवांटेजेस के लिए हमारे पास कंप्यूटर, फ़ोन या मॉडम, कोई भी डिवाइस की नीड होती है, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट की नीड होती है, इसीलिए ये इसकी डिसएडवांटेज है। इमोशनलेस, इसमें इमोशंस नहीं यूज़ हो सकते, बट कुछ स्टिकर्स हैं जिनके थ्रू हम इमोशंस, हैप्पी, सैड का इमोशन सेट कर सकते हैं। और साथ में हमारे पास क्या है, इंटरनेट, यू कैन यूज़ द रिसिप्ट एंड अदर्स। हम कई बार हम चेंज कर लेते हैं हमारा मेल एड्रेस, तो हमें और हमने कहीं और कुछ नोट करवा रखा है, ये भी प्रॉब्लम्स आ जाती है। मिस यूज, मोस्ट ऑफ द लेटेस्ट वायरस यूज द ईमेल एंड स्प्रेड देमसेल्फ एंड रिसिप्ट मस्ट मोर यूज ईमेल यूजर। अब क्या है कि रिसिप्ट मस्ट आल्सो बी द ईमेल यूजर्स। कुछ मेल्स को सीरियसली नहीं लेते और मेल यूजर्स की मेल आई होगी या नहीं चेक नहीं करवा पाते, इसलिए ये प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। तो ये हमारा क्या है, बहुत और भी सर्विसेज हैं लाइक WWW वेबसाइट्स आल्सो, इनके थ्रू हम क्या करवा सकते हैं, इस काम को परफॉर्म करवा सकते हैं। टेलनेट हो गया, FTP हो गया, ये सभी क्या है, इंटरनेट की सर्विसेज हैं। वॉफर हो गया, ये सभी इंटरनेट की सर्विसेज हैं, हम इसको यूज़ करवाते हैं। ऑनलाइन चैटिंग, ऑनलाइन चैट इज एफर एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट डेट ऑफर द रियल टाइम ट्रांसमिशन ऑफ टेक्स्ट मैसेज फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। आप चैटिंग करते हैं ना, व्हाट्सएप पे कर लिया या जीमेल पे कर लिया, तो इसी टाइप से ऑनलाइन चैटिंग के थ्रू क्या है, इंटरनेट के थ्रू हम रियल टाइम ट्रांसमिशन करते हैं, चैट मैसेज होता है जिसके थ्रू हम काम को परफॉर्म करवाते हैं और यूज़ करवाते हैं। इट इज़ ए फीलिंग द सिमिलर द स्मोकर स्पोकन कन्वर्सेशन, मतलब आप बोल कर एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, उसी टाइप से हम चैटिंग क्या करवाते हैं, टेक्स्ट बेस्ड ऑनलाइन कम्युनिकेशन होता है जिसके थ्रू हम सेंड करवाते हैं, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन एज वेल एज मल्टीटास्क कम्युनिकेशन फ्रॉम वन सेंडर टू मैनी रिसीवर एंड वॉइस एंड वीडियो चैट इज आल्सो द अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। तीन मेथड्स हैं, टूल्स बोल सकते हैं हम, मेथड्स बोल सकते हैं, इंटरनेट रिले चैट जिसको हम IRC बोलते हैं, इंस्टेंट मैसेज एंड वेब बेस्ड चैट। इंटरनेट रिले चैट क्या है, जस्ट ए चैट एंड पॉपुलर वे ऑफ इंटरनेट यूजर टू कम्युनिकेट रियल टाइम, रियल टाइम पे कम्युनिकेट करवाना हम कंसीडर करवाएंगे लाइक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। इसके थ्रू हम क्या करवाते हैं, टेलीफोन पे कॉल कर दिया, फ़ोन को फ्रेंड को, किसी भी फ्रेंड को कॉल करके हम आपस में चैट करवा कर रहे हैं जिसे फ्रेंड सुन भी सकता है, बात भी कर सकता है, चैटिंग या मैसेज भी स्क्रीन पर आ सकते हैं, साथ में हम ऑडियो चैट भी भेज सकते हैं। इसके थ्रू हमारे पास टाइप्स हैं और साथ में हमारे पास मल्टी यूज़र भी इसको यूज़ करवा सकते हैं, और साथ में चैटिंग एनी नंबर ऑफ पीपल एक साथ काम को परफॉर्म करवा सकते हैं। मल्टी यूज़र सिस्टम इज़ ए ज्वाइन द चैनल, इसमें चैनल के थ्रू हम ज्वाइन करते हैं, पब्लिकली और प्राइवेट दोनों ऑप्शन है जिसके थ्रू आप चैट करना चाहें। IRC चैनल है जिसके थ्रू हम परफॉर्म करवाते हैं और रीड करते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं, हम उसको रिप्लाई भी कर सकते हैं और क्रिएट अपने मैसेज भी क्रिएट करवा सकते हैं। चैटिंग इज इन्वॉल्व ए सेट ऑफ रूल्स एंड, ये क्या है, एक सेट ऑफ रूल्स को कंटेन करके चलता है जिसके थ्रू हम क्लाइंट एंड सर्वर सॉफ्टवेयर के थ्रू हम यूज करवाते हैं। वर्चुअल मीटिंग है जहाँ पर बहुत सारे पीपल वर्ड्स के एक साथ मिलते हैं अपने काम को परफॉर्म करवाते हैं, मतलब किसी भी रिगार्डिंग, किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग अपने व्यूज को शेयर करते हैं। यू कैन फील द वूल डेवलप द ह्यूमन इंटरेस्ट एंड आइडिया टू इश्यू हेयर, इट इज एबल टू पार्टिसिपेट इन ए ग्रुप एंड देयर आर द चैट। हमारे पास चैट्स के लिए क्या है, chat.yahoo.com, msnchat.com, chat.sylphy.com, talkcity.com, chat.123, india.com, chat, बहुत सारी टर्म्स हैं, बहुत सारी और जिस पर ये अवेलेबल होती है। इसके थ्रू हमारे पास क्या है, रजिस्टर करवाना पड़ता है हमें, उस पर चैटिंग करने के लिए काम को परफॉर्म करवाना पड़ता है। नेक्स्ट है इंस्टेंट मैसेज। इंस्टेंट मैसेज क्या होता है, इस कंसीडर द रियल टाइम मैसेज द अनदर इंटरनेट, देयर इज अ सेल फोन पर आप मैसेज कर रहे हैं, यंगर जनरेशन आजकल बहुत ज़्यादा यूज कर रही है, हम लोग भी इसको यूज़ करवा रहे हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉमनली यूज द वर्क फोर्स द क्विकली वे टू एम्प्लॉय द कम्युनिकेट विद ईच अदर, प्राइवेट चैट रूम्स अवेलेबल है बट इंस्टेड ऑफ एनी वन बीइंग एबल टू ज्वाइन। यहाँ पर क्या है,
कोई भी ज्वाइन नहीं कर सकता अगर आप प्राइवेटली मैसेज कर रहे हैं, ओनली द पीपल हु यूजर इनवाइट, जिसको यूजर इनवाइट करता है, जिससे यूजर चैट करना चाहता है उसी को कर सकता है, और क्रिएट करवा सकते हैं लिस्ट एंड वेलकम गेस्ट को। आई एम सेंडिंग अलर्ट द पॉपअप, इससे क्या होता है एक पॉपअप मैसेज जनरेट होता है कि आपके पास कोई मैसेज भेज रहा है, आपको मैसेज रिसीव हो रहा है, जब आप ओपन करते हैं तो उनको भी पता चल जाता है कि मैसेज रीड हो चुका है। ये हमारी टर्म्स आती हैं जो इसको क्रिएट करते हैं। बहुत सारे हम के हैं AOL, माइक्रोसॉफ्ट, याहू, इन सभी को यूज़ करवाते हैं। यहाँ पर हमारे पास प्राइवेट इंस्टेंट मैसेज सर्वर होता है जिसको हम डाउनलोड करके मैसेज प्रोग्राम को परफॉर्म करवा सकते हैं। जो अदर यूज़र इस टर्म पर है वो उसके थ्रू हम कम्युनिकेट करवा सकते हैं, उसके काम को परफॉर्म करवा सकते हैं। कंपनी प्राइवेट स्पेस पे इसको यूज़ करवाती है और इसके रूल्स और रेगुलेशंस हैं और कुछ सिस्टम्स हैं जिसके थ्रू हम ये काम को परफॉर्म करवाते हैं। नेक्स्ट आपके टर्म्स आती है वेब बेस्ड चैट। वेब बेस्ड चैट हमारा क्या होता है, जहाँ पर हमारे पास इंस्टेंट मैसेज के कुछ बेनिफिट्स हैं, पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। ये फास्टर होता है, प्राइवेट होता है, प्राइवेट चैट रूम्स हैं जिसके थ्रू हम ज्वाइन कर सकते हैं, ओपन या इनवाइट करवा सकते हैं, और उन्हीं रूम्स में जो अवेलेबल होगा हम उसी से करवाते हैं। एक सिंपल वे है रेदर देन यूजिंग द ईमेल, बिकॉज द मैसेज इमिजिएटली सेंड होता है, इमिजिएट रिसीव होता है, अगर वो लॉग इन है तो उसको रीड करवा सकते हैं। मनी को सेव करवाता है, कटिंग फोन बिल्स वगैरह एक्सेट्रा, इनकी सेविंग है। इंस्टेंट मैसेज ग्रेट वे, एक टचिंग का ग्रेट वे है जिससे हम टच में रहते हैं फैमिली मेंबर्स के, फ्रेंड्स के, और मनी को भी सेव करवाते हैं, और लॉन्ग डिस्टेंस जो फोन बिल्स हैं उनको भी हम सेव करवाते हैं।